औरंगाबाद की लड़की से किया था लव मैरिज। इसकी जानकारी होने पर लड़की के पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। वे लड़की को अपने साथ विदा कराकर ले गए। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। इससे परेशान होकर पति ने पुलिस से गुहार लगाई है, कहा उसकी पत्नी को वापस दिलाया जाए। देखे खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। मेरा पिता का नाम राम अवतार राम है। मैं खिरगांव सावरी नगर हजारीबाग का निवासी हूँ। ठीक है, मैंने 10/12/2022 को शादी किया था कोलकाता में कोर्ट मैरिज से, और 25/12/2022 को मेरे सास ससुर लोग यहाँ आए थे मिलने के लिए। उन लोग को मेरा शादी से कोई आपत्ति नहीं था, और फिर 19 फरवरी को वो लोग आए ये बोल करके कि मैं संध्या को मेरी पत्नी को ले जाना चाहते हैं अपना घर। ले जाने के बाद वहाँ पे उन लोग बंदी बना दिए हैं, ना मिलने दे रहे हैं मुझसे, और मुझे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। यहाँ का प्रशासन को मैंने बोला तो यहाँ से कोई भी बड़ा बाजार थाना को सूचना दिए थे। बड़ा बाजार थाना बोला कि वहाँ का लोकल थाना जाके, औरंगाबाद का लोकल थाना का जाके मिलिए। लोकल थाना में गए, वहाँ पर भी मुझे कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, मैं प्रशासन ठीक है, मेरी कोई सहायता नहीं हो रही है, तो मैं प्रशासन से भी कोई ये नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो मीडिया से मेरे इतनी दरख्वास्त है कि वो मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाएँ। ठीक है, मेरी पत्नी को फिर भी आप लोग वापस मंगाने में सहायता करा। संध्या कुमारी कब शादी किए थे? शादी किए थे 10/12/2022 को। परिवार की मर्जी से किए थे? नहीं, परिवार के सहमति से नहीं किए थे। हाँ, लेकिन बाद में मेरा परिवार और उसका परिवार बोले थे कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मेरा परिवार उसके साथ में खुशी से रह रहे थे। ठीक है, सही सलामत से। अच्छा, लड़की के घर वाला कैसे कैसे यहाँ से ले गया आपकी पत्नी को? लड़की के घर वाले लोग फोन पे बात करते थे। ठीक है, लड़की से हम लोग का परिवार से बहुत अच्छे से बात करते थे। ठीक है, 25/12/2012 को उन लोग आए, मेरे परिवार से मिले, मेरा से मिले, मेरा घर द्वार देखा। उन लोग बोले कि हम लोग को शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, और आप लोग भी मेरे घर आइए। तो मेरे परिवार लोग 29 जनवरी को उनके घर गए, मिले, वहाँ पे खातिरदारी हुआ। ठीक है, और फिर वो लोग चले आए। ठीक है, इससे हम लोग का रिलेशन अच्छा बन गया। उन लोग दिखाया कि रिलेशन अच्छा हो गया। 19 तारीख को आए, और अब मेरी पत्नी संध्या को 19 फरवरी 2022 को आए। ठीक है, और मेरी पत्नी संध्या कुमारी को हम लोग को आश्वासन दिया कि तुम मेरे साथ चलो, कोई डर का जरूरत नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग भी मान गए। ठीक है, और तो वहाँ ले जा करके उसके बाद से ही 20 तारीख से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 21 तारीख को लोग फोन किया और हमको धमकी दिया कि मार देंगे, संध्या को भूल जाओ। ठीक है, पत्नी से बात हो रही है? नहीं हो रही है। कोई नंबर वंबर से मन बात हो रहा है? कोई नंबर से बात नहीं हो रहा है। उधर से भी बात नहीं हो रहा है? कोई बात इधर से कोशिश की है? इधर से पूरा कोशिश। आवेदन बड़ा बाजार थाना को आप देने के लिए कब गए थे? 21 तारीख को गए थे। 21/2/2023 को गए थे। तो बड़े बाजार थाना बोला कि वहाँ का लोकल थाना जाने के लिए औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद लोकल थाना में हम लोग गए थे, देव थाना में। सुबह का 11:30 से बैठे बैठे हम लोग शाम को 7 बजे वहाँ से निकले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग को ये बोला क्या बोला गया औरंगाबाद थाना में? क्या बोला गया? औरंगाबाद थाना के जो SI है कन्हैया जी, ठीक है, वो बोले, वो वहाँ के मुखिया जी को कॉन्टेक्ट किए। मुखिया जी बोले ठीक है, मैं उनके घर वालों से बात करके आपको बताता हूँ। ये कह करके मुखिया जी और वहाँ के SI हम लोग को ये कत्ती घटना है, ये 23 तारीख ये 23/2/2023 का। ठीक है, उन लोग ने हम लोग को बोला घर वापस आने के लिए भेज दिया गया हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग आने के बाद एक दिन बाद ही मैं थाना से संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ फोन वगैरह कोई। यहाँ लिखित सूचना आप कहाँ दिए हैं? यहाँ लिखित सूचना मैं आज ही SP सर को दिए हैं और DSP सर को दिए हैं, ये DIG सर को दिए हैं। अच्छा, क्या कुछ चाहते हैं जिला प्रशासन से आप? जिला प्रशासन से मेरे यही अनुरोध है कि मेरी पत्नी को कृपया करके मेरे पास वापस लौटाया जाए। तो पत्नी अभी कहाँ पर है, कुछ मालूम है आपको? पत्नी मेरे ससुर के घर में है औरंगाबाद। ये कैसे संपर्क, ये कैसे आप जानते हैं? ये पत्नी मुझे WhatsApp मैसेज किया है, उसी से हमको पता चला कि मेरी पत्नी अगवा हो चुकी है। अच्छा, पत्नी से WhatsApp पर बात हुई है? हाँ, WhatsApp पर बात हुई है। WhatsApp पे बात हुआ, कॉल नहीं आया? कॉल नहीं आया।